धर्मशाला और श्रोताओ, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मीना। और जी हाँ, एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूँ। कार्यक्रम का नाम है श्रोताओ कवि सम्मेलन, और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के सुप्रसिद्ध कवि शिरकत करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्रोताओ ये विशेष कार्यक्रम। आप सब योगी बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की। सभी को आपका सादर नमस्कार। यदि सामाजिक चेतना में शोध कार्य किया है, किन लोगों है श्री अनभ जी, जो एक नौ से ही साई हैं और कविता समाज लेखन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री देवदास जी, सब विभागीय सेवा जी और जी के भारतीय हाँ जी शाह एक सेवा धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं, मेरी कविता का शीर्षक है अपनेपन का एहसास। कहना चाहता हूं अपना कहीं कोई मिले, कह नहीं पाता एहसास इस बात का। सुनने सुनाने वाला नहीं कोई कहीं भी, जो समझ पाए मुझे कहना चाहता हूं कहूंगा जब कोई अपना समझे। चंद्रमा दूर है काटता चक्कर, ग्रहों की तरह नित नए शैली में कभी अपने भी पराए और पराए भी अपने दिखते। अपनापन बनाए रखना सृष्टि का निर्माण, ये मेरी पहली कविता थी। अब मैं इसके साथ ही दूसरी कविता सुनाता हूं। जिंदगी की राह शीर्षक है, जिंदगी है कठिन डगर, गुजरना पड़ता है इस राह में सैकड़ों बार। कठिन डगर का सामना रखकर हिसाब बार बार, उच्चता की ओर अग्रसर हुआ जिसने किया सामना। प्रयास में रहता है सपना, होना पड़ता है कभी हताश, कभी मन को फुलाता रुलाता, सुखद दुखद अनुभव कराता, कल्पना में डूबता, सुखानुभूति को प्रकट करता, इसी से साकार जिंदगी की डगर। जी बहुत बहुत आभार। अगर समय हो तो एक कविता और सुनाऊंगा। अगली कविता का शीर्षक है मातृभाषा। भाषा से सभी आगे बढ़े, भाषा से सभी मिलाप चढ़े, देश दुनिया की खबर ले, देश दुनिया में कदम ले। बढ़ाकर रखा भाषा का मान, चढ़कर सीढ़ी चढ़ते नया जान। आस मिटती नहीं सांस की, निज भाषा उन्नति पथ की। कर लो आज ये संकल्प, भाषा से बड़ा कोई विकल्प। मातृभाषा की शक्ति को बढ़ाकर ज्ञान दर्पण बन शिखर को चढ़ा,
मूल बोली भाषा हम बनी हमारी हिंदी, शिक्षा का नाम चमका बनी बिंदी। मत करो अभिमान दूसरी भाषा का, निज भाषा में निहित सभी लोग। मातृभाषा में जो करे बात, मिटे नहीं किसी छोर पात। राष्ट्रभाषा हिंदी का करो प्रचार, ये बना है मातृभाषा का मुख्य द्वार। कागज के पन्ने पलट पलट कर फूलों की तरह बना फला ठन कर। अपनाओ भले ही दूसरे की भाषा, मत भूलो अपने परिवेश की भाषा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कविता के लिए। जी बहुत बहुत आभार। अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू थोड़ा आ रहा है, उसकी वजह से मैं अब गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री राम भगत जी से कि कृपया वो अपनी कविता का पाठ शुरू करें। बहुत बहुत आभार गुंजन रेडियो का, आदरणीय मीना जी, सुमित जी, मुकेश जी और प्रदीप जी। मुझे मौका मिला किन्नौर से, मैं राम भगत नेगी आप लोगों के समक्ष ज्यादा समय ना लेते हुए। किन्नौर से हूँ तो किन्नौर से ही परिचय करवाऊंगा अपना। शीर्षक है मैं किन्नौरा हूँ। किन्नौरा मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। चोरा से सुमरा किन्नौर की है विश्व पहचान। मातृभूमि मेरा किन्नौर, किन्नौरा मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। मैं किन्नौरा हूँ, किन्नौरा मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। चोरा से सुमरा किन्नौर की है विश्व पहचान। मातृभूमि मेरा किन्नौर, किन्नौर मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। आगे है सेब बादाम अखरोट और चिलगोजा, यहाँ का है आर्थिक पहचान। मंदिर किला बुद्ध मठ ऐतिहासिक यहाँ के धरोहर। देवदार रई तोष और भोजपत्र यहाँ का है श्रृंगार। सेब बादाम अखरोट और चिलगोजा यहाँ का है आर्थिक पहचान। मंदिर किला बुद्ध मठ ऐतिहासिक यहाँ के है धरोहर। देवदार रई तोष और भोजपत्र यहाँ का है श्रृंगार। मैं किन्नौरा हूँ, किन्नौर है मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। आगे है महेश्वर सुमरा, महेश्वर भाभा, महेश्वर चगांव, यहाँ प्रमुखता किन्नौर में प्रमुख देवी देवताओं में आते हैं। महेश्वर सुमरा, महेश्वर भाभा, महेश्वर चगांव, ब्रह्मा विष्णु व देवी देवताओं का अनेकों गांव। किन्नौर है मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। आगे है चोली दोड़ू टोपी कोट और ऊनी पाजामा यहाँ का है पहनावा। भाषा बोली रीति रिवाज है अनेक, भाषा बोली रीति रिवाज है अनेक। फिर भी चोरा से सुमरा किन्नौर एक, किन्नौर है मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। चोली दोड़ू टोपी कोट और ऊनी पाजामा यहाँ का है पहनावा। भाषा बोली रीति रिवाज है अनेक, फिर भी चोरा से सुमरा एक, किन्नौर है मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। बड़े बड़े विद्युत ग्रह यहाँ करे देश का विकास में भागीदारी। बड़े बड़े विद्युत ग्रह यहाँ करे देश के भागीदार विकास में भागीदारी। हरी टोपी और लाल टोपी आपने देखा होगा, हरी टोपी और लाल टोपी करे नेताओं की यहाँ चमचागिरी। किन्नर कैलाश के दर्शन से चमके किस्मत सबकी हमारी। मैं किन्नौरा हूँ, किन्नौरा मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। और ये छोटी सी रचना थी और एक कविता आपके समक्ष रखता हूँ। जैसा कि नेटवर्क इश्यू बताया, तो इसी पर ही मैं छोटी सी रचना चाहूंगा कि आखिर नेटवर्क इश्यू का कारण क्या है। क्योंकि जो कंपनियां तो हमारी सरकार ही देती है इनको लाइसेंस। नाम जियो खूब जनता का जान तूने अब लियो, नाम जियो खूब जनता का जान तूने अब लियो। खूब दिखाए थे सपने जियो लगने थे अपने, फ्री देकर हमें बेवकूफ बनाया। क्या मंत्री क्या संतरी सबको खूब नचाया। नाम जियो खूब जनता का जान तूने लियो। आगे तब जियो फ्री से, जब फ्री का टाइम था तब जियो फ्री से 75 और 2399 तक पहुंचा।
अब जियो 91 से 2889 तक पहुंचा, तब जियो 28, 56, 84, 336, 365 वैलिडिटी तक पहुंचा। जनता के साथ करे खिलवाड़, जियो बना खुद माला माल। जनता के साथ करे खिलवाड़, जियो बना खुद माला माल। जिम्मेदार कौन? देश का प्रधान सेवक, देश का विपक्ष दल, आखिर सभी राजनीतिक दल चुप क्यों? छोटी सी रचना है, कटास टाइप का है। ऐसा कोई पालन बने, ऐसा कोई नियम बने, ऑनलाइन शिक्षा भी बेहतर बने, ऐसी कोई छूट मिले, महंगाई बिल्कुल असर ना करे। नए साल से क्या मिला? आटा महंगा, डाटा महंगा, माचिस महंगा, टीवी देखना महंगा, कपड़ा महंगा, जूता महंगा, बैंकों में ब्याज कम। वारे जियो, खुद खूब जियो, हमें क्या दियो? फ्री के चक्कर में हमारी जान तुमने लिए। छोटी सी है टाटा जिस प्रकार से हमारे को, ये मेरी अंतिम रचना थी, अगर समय हो तो फिर सुनाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राम भगत जी, बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं श्री ज्योति प्रकाश जी, बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। कल जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनकी उपलब्धियों पर बात करते तो शाम हो जाएगी। तो मेरा आग्रह है श्री ज्योति प्रकाश जी से कि कृपया वो अपना कविता, अपनी कविता जो है वो प्रस्तुत करें, अपनी कविता का पाठ शुरू करें प्लीज। ज्योति प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं सर। हाँ जी, सुमित जी सुनाई दे रहे हैं? प्लीज जी, अब आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज प्लीज शुरू करें। धन्यवाद सुमित जी मुझे ये मंच देने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ हाथ जुड़ पाया हूँ, तो सीधा मैं कविता शुरू करता हूँ। मेरी पहली कविता है बस्ती कांटों की। संकरी सी थी एक नगर और बस्ती कांटों की, एक के साथ एक सटा हुआ था इसका हर डाल और हर पास। आकर्षित कर रही थी इसकी छटा, मन था कि बस्ती में खो जाए और एक एक पत्तों को अपने हाथ से सहलाए। ज्यों ही जरूरत की पत्तियों को प्यार से सहलाने की, ज्यों ही जरूरत की पत्तियों को प्यार से सहलाने की, दे गई गहरी चुभन मानो मधुमक्खियां टूट पड़ी हों जमाने की। तभी एहसास हुआ कि एक सा ही मिजाज लिए हुए हैं ये दोनों, ये मेरी दुनिया और ये बस्ती कांटों की, मेरी दुनिया और ये बस्ती कांटों की। मेरी दूसरी कविता है बहुत बढ़िया, अपने गांव की मुझे बहुत लगा है। शहर से दूर चले चलो चले कहीं गांव में, शहर से दूर चलो चले कहीं गांव में, एसी कूलर नहीं पीपल की छांव में। टेढ़ा मेढ़ा ही हो चाहे वो रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा ही हो वो चाहे रास्ता, बस हम तुम हो और सुकून से हो वास्ता। संकीर्ण गलियां नहीं खुले खुले हो खेत, लिए हो अपनी गोद में पत्थर चट्टान वृक्ष और रेत। हम तुम भी खो जाए उस आबो हवा में हजूर, बेखबर दुनिया दारी से जी ले कुछ पल भरपूर, जी ले कुछ पल भरपूर। इसी के लिए मैं एक मिनट कहता हूँ, गांव शहर हो रहा है जो आजकल चला हुआ, हर गांव में शहरीकरण हो रहा है, गांव का अर्बनाइजेशन हो रहा है, छोटी छोटी बस्तियां बड़े बड़े शहरों में बदल रही है, उसी पे मेरी कुछ लाइने हैं, गौर फरमाइएगा। आज मेरा गांव शहर हो रहा है, आज मेरा गांव शहर हो रहा है, दिन रात और भरी दोपहर हो रहा है, आज मेरा गांव शहर हो रहा है। शहर आया था गांव में मेहमान बनके, रोक लिया गांव में बस भूलेपन में, शहर का चलाक कर गया चालाकी, बाकी घूमते घुमाते वो आया था गांव में, घूमते घुमाते वो आया था गांव में, पड़ी जो नजर खुल खेत खलिहान में, शहर ने शुरू की अपनी नियत दिखाने, लगा गांव को अब वो ठिकाने लगाने,
लगा गांव गांव पे ठिकाने लगाने। क्या कहती है? समेटे खेत और समेटे समेटी जो बस्तियां, पहले खेत समेटे, समेटे खेत और समेटी जो बस्तियां, समेटे नदी नाले समेटी वो बस्तियां, देखते ही देखते शहर होने लगा गांव, देखते ही देखते शहर होने लगा गांव, कटने लगे वन और मिटनी लगी छांव, कटने लगे वन और मिटने लगी छांव, चतुराई ने मान लिया भोलापन, गांव के लोगों का भोलापन शहर के लोगों की चतुराई ने खत्म कर दिया। इन लाइनों में गौर कर, चतुराई ने लीन लिया भोलापन, कंक्रीट के जंगलों ने लीने वो वन, रिश्तों के बदलने लगे सारे नाम, मामा मामी काका काकी हुए अंकल आंटी आज, रही ना वो खटिया ना वो चार भाई, रही ना वो खटिया ना वो चार भाई, रहा ना बिछौना ना रही वो चटाई, सबका आंगन में सोना हुआ दुश्वार, पति पत्नी और दो बच्चों तक सिमट गया परिवार, पति पत्नी और दो बच्चों तक सिमट गया परिवार, चर्चा न चाची न ताया न ताई, चर्चा न चाची न ताया न ताई, अंकल और आंटी ने पहचान बनाई, न दादी की गुड़ी न नानी का प्यार, न दादी की लोहड़ी न नानी का प्यार, न दादा का हुक्का न नाना का दुलार, नाइट क्लब और क्रच का कल्चर जो आया, नाइट क्लब और क्रच का कल्चर जो आया, गुम हुआ घर से बुजुर्गों का साया, गुम हुआ घर से बुजुर्गों का साया, न बाबड़ी न कुआं, न बाबड़ी न कुआं न तालाब न पनघट, न बाबड़ी न कुआं न तालाब न पनघट, पानी का स्रोत हुए बस अब ओवर हेड टैंक, पानी का स्रोत हुए और अब टेरेस गार्डन में बदलने लगे, टेरेस गार्डन में बदले खेत और खलिहान, खत्म हो गए फिर टेरेस गार्डन में बदले खेत और खलिहान, उजड़ गए न चहके चिड़िया न नाचे अब मोर, न चहके चिड़िया न नाचे अब मोर, हर ओर ट्रैफिक और ट्रैफिक का शोर, वो टोलियां न दंगल न चौपाल न मेले, वो टोलियां न दंगल न चौपाल न मेले, मोबाइल कूद लिए सब बतियाए अकेले। इस बात पे जरा गौर करना, वो टोलियां न दंगल न चौपाल न मेले, मोबाइल कूद लिए सब बतियाए अकेले, सिसकियां लिए अब गांव पूछ रहा है, सिसकियां लिए गांव पूछ रहा है अब, ऐ शहर तुम मेरे गांव से लौटोगे कब, ऐ शहर तुम मेरे गांव से लौटोगे कब, सुना था अगर गांव शहर हो जाएगा, सुना था अगर गांव शहर हो जाएगा तो रुतबा इसका बड़ा हो जाएगा, मगर ऐसा तो हुआ भी ना कुछ, मगर ऐसा तो हुआ भी ना कुछ, वो उदार सोच गांव की थी वो भी अब होने लगी तुच्छ, ऐ शहर अब चेतावनी दे रहा है गांव, ऐ शहर तुरंत शहर, ऐ शहर तुरंत शहर रहने दे मुझे गांव, ऐ शहर तुरंत शहर रहने दे गांव मुझे, है दम के पलों खुद भी, है दम के पलों खुद भी और पालता रहूं तुझे, है बेहतर गांव शहर से, है बेहतर गांव शहर से ये मान चुका हूं अब, तू पालक मैं सबका ये जान चुका हूं अब, मुझे गांव होने पर कोई गम नहीं, मुझे गांव होने पर कोई गम नहीं, क्योंकि मैं गांव में किसी शहर से कम नहीं, क्योंकि मैं गांव में किसी शहर से कम नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर, धन्यवाद। आपने किस तरह से गांव की व्यथा जो है बहुत सुंदर शब्दों में इसको व्यक्त किया सर। अभी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, मेरे ख्याल से शायद उनके साथ कुछ नेटवर्क इश्यू जो है वो आ रहा है। प्रदीप जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, तो प्रदीप जी जब तक वापस लौटते हैं शाहपुर से, बेहद प्रतिभावान कवि प्रदीप जी जब तक वापस लौटते हैं, मैं फिर से एक बार मुकेश चंद नेगी जी के पास मैं लौटना चाहूंगा। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ जी सर, प्लीज आप जब तक प्रदीप जी वापस आते हैं प्लीज आप अपनी एक और कविता जो है वो सर हमारे सामने प्रस्तुत करें। बहुत आनंद आ रहा है सर इस प्रोग्राम को संचालन करने में मुझे, प्लीज आप एक और कविता सर सुनाए। ठीक है जी, जैसा कि धन्यवाद, हम सभी को पता है कि कोई नौकरी की तलाश में रहता है, कोई नेता बनने की तलाश में रहता है और कोई अपना पैर पसारने की फिराक में रहता है। तो उसी के ऊपर एक कविता लिखी है मैंने, शीर्षक है कुर्सी का चक्कर। बढ़ते बढ़ते बैठ सभी जाते, ये है कुर्सी का चक्कर। इन्हीं कुर्सी के चक्कर में हम कितने पिछड़ गए, कुर्सी की चाह में छोड़ा पिछला संसार,
अगले के मुंह में खाए ठोकर ही ठोकर, जिसकी चाह बनी बेवजह वह ना मिला। एक कुर्सी के चक्कर अनेकों ने जमाए डेरे, कुछ छिन गए हमने कह दिया रहने दो, समय बदलता है कहीं आस हो। एक के बाद एक ने खींच लिया अपने पास, दूर हटना भी कठिन लगता, फिर भी आस जगती रहे, आखिर कुर्सी का चक्कर लगाने मिला ना कुछ, फिर आ बैठे मिट्टी के रंग, हमने ठाना यही बला, कर भी क्या सकते आखिर कुर्सी का चक्कर। हम तुम फिर वहीं और फिर जुस्तजू क्या है मन में ठाना, जिसकी चाह उसकी राह, छोड़ो आखिर ये है कुर्सी का चक्कर। जी धन्यवाद, प्रदीप जी जुड़ गए हैं तो आप जी धन्यवाद सर मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता थी। प्रदीप भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया देखिए कुछ आपका माइक जो है वो। हाँ जी जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? तो मेरा आपसे आग्रह है सर, अनुरोध है कि प्लीज आप अपनी कविता जो है उसका पठन करें। धन्यवाद सर, सो नाइस यू है। मेरी कविता बारिश के ऊपर है। एक बार मैं अपने घर बैठा था तो बारिश हो रही थी, जबरदस्त बारिश थी, उसने सब कुछ धो दिया। तो वहां से ये पॉइंट निकल के आई, बारिश सब कुछ धो सकती है लेकिन जो मन के अंदर किसी के मैल है, इंसान के अंदर जो मैल है मन में, वो नहीं धो सकती। तो उस विषय पर मैंने ये कविता लिखी है। बारिश ने धोया धरती का रोया रोया, बारिश ने धोया धरती का रोया रोया, कि धुल गए सारे आपसे अभिप्राय मेटलिस्टिक वर्ल्ड। धुल गए सारे आप पर अब भी है धरती पर पाप, भीगे हैं सारे खेत, सारे खेत भीगे हैं सारे खेत, और गीली है सारी रेत, कि फूल मुस्कुरा रहे हैं। फूल से अभिप्राय है द स्पिरिचुअल लूप, जो सच्चाई जानते हैं। फूल मुस्कुरा रहे हैं, पत्ते बारिश की फुहारों से झुके जा रहे हैं। फूल मुस्कुरा रहे हैं, पत्ते बारिश की बहारों से झुके जा रहे हैं, कि अब तक कोई ऐसी बारिश नहीं आई है जो मन के मैल को मिटा पाई है। कि बारिश ने धोया धरती का रोया रोया, कि धुल गए सारे आप पर अब भी है धरती पर पाप। तो सर ये कविता मैं छोटी सी एक और सुनाना चाहूंगा, छोटा सा कविता। जरूर जरूर। ये एक मोटिवेशनल पॉइंट है, जब भी आपके जीवन में किसी के जीवन में कोई दुख आए या कोई ऐसी समस्या आए कि आपको लगे कि बस अब आगे मुझसे नहीं होगा, तो ये कविता आप प्रदीप जी के साथ संपर्क, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया, प्रदीप जी के साथ थोड़े संपर्क टूट गया है। तो जब तक सुना दूं मैं कोई दूसरी जी, जरूर जरूर सर जरूर, प्लीज आप सुनाइए जी। मेरे कविता का शीर्षक है कवि सम्मेलन। जी सर। कवि सम्मेलन जब हम जाते हैं तो कवि सम्मेलन के ऊपर ही एक कुछ पंक्तियां लिखी है। कवि मूक दर्शक बन बैठा है, अब नहीं बजते तालियां ठाके, ना कोई दर्शक दीर्घा है ना मंच का पोस्टर, छपाई दीवार पर दिखती नहीं, कवि कल्पनाओं में खोया हकीकत को दर्शाता। कम से कम कहीं मौका मिला वह लाइव कवि संगम में, अब नहीं होता सम्मेलन, अब दिखता चेहरा नया पुराना जो नहीं देख सकते। ये लिखा है मैंने कोरोना काल में, क्योंकि उन दौरान हम कहीं जा नहीं सकते थे तो लाइव ही हो सकते थे। उन्हें भी मौका मिला, ना जाने कितने चिट्ठियों की तरह वाचन करते हैं, कुछ को नया तो कुछ को मिला संगम, कोई डायरी में मुखर होता मंच में जोश भरता, कभी बैठा है कमरे में कैमरे के सामने, वहां से छोड़ नहीं सकता वर्तमान परिदृश्य, नहीं तो कहां होता नवोदितों का आगाज, कौन किसे पहचान दिलाता। क्योंकि ये जो लाइव प्रस्तुति हुआ तो इसमें कई ऐसे अनेकों नए नए कवि जुड़ गए जिनको मंच पर अपनी कविताएं सुनाने का अवसर मिला। जी धन्यवाद, ये मेरी कविता। धन्यवाद सर नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप जी के साथ मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आपका नेटवर्क थोड़ा चला गया था, आप जुड़ नहीं पा रहे थे, तो प्लीज अपनी कविता को पूरा करें।
जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज प्लीज अपनी कविता पूरा करें सर। मोटिवेशनल पोइम है ये, आप सब एग्जीक्यूट कर सकते हैं जीवन में, कि डूब रहे हैं तो क्या, डूब रहे हैं तो क्या, सूरज है कल फिर आएंगे। यहाँ पे आप कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप को सूरज समझ लेना है। डूब रहे हैं तो क्या, सूरज है कल। प्रदीप जी के साथ संपर्क जो है वो बार बार टूट रहा है, तो हमारे साथ अभी हमें कविता सुनाई थी श्री राम भगत जी ने, तो मैं राम भगत नेगी जी से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि माइक अनम्यूट करके आप फिर से सर अपनी एक और कविता जो है उसको प्रस्तुत करें सर। बहुत आनंद आ रहा है आपकी कविताओं को सुनने में जी। धन्यवाद। व्यंग रचना है और हास्य टाइप का, इसके लिए मैं अगर कोई सुनते है तो अन्यथा भी ना ले। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि 2022 में हिमाचल में चुनाव का माहौल रहेगा, तो एक कवि अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी भी अपनी इच्छाएं रहती है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किस पार्टी से लड़ूंगा अभी तय नहीं। कांग्रेस से लड़ता हूँ तो 70 साल का हिसाब लेते हैं, बीजेपी से लड़ता हूँ तो 70 साल का बना बेच देते हैं। देश की राजनीति में ये सब सवार। मैं निर्दलीय उड़ता हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं। मैं बीएसपी से उड़ता हूँ, जातिवाद व अम्बेडकर नीति को कोई समाज मानता नहीं। मैं आम आदमी पार्टी से उड़ता हूँ, यहाँ फ्री फ्री बोलकर वोटरों का जीना हराम कर देते। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, किस पार्टी से लड़ूंगा यह अभी तय नहीं। कांग्रेस से लड़ता हूँ, 70 साल का हिसाब लेते। बीजेपी से लड़ता हूँ, 70 साल का बना या बेच देते। दोनों पार्टियां 70 साल से देश की राजनीति में सवार। मैं निर्दलीय उड़ता हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं। मैं बीएसपी से उड़ता हूँ, जातिवाद व अंबेडकर नीति को समाज मानता नहीं। मैं आम आदमी पार्टी से उड़ता हूँ, कि यहाँ फ्री फ्री बोलकर वोटरों का जीना हराम कर देते। आगे है, फ्री कंटीन, फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री रेल, हवाई यात्रा, बहुत सारे फ्री पेंशन। जब तक चाहो चुनाव लड़ते रहो, उम्र की कोई सीमा नहीं। फ्री की स्कीम सब नेताओं को मिले, अपने लिए तो सब कुछ लेते हैं। फ्री की कंटीन, फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री रेल, हवाई यात्रा, बहुत सारे फ्री पेंशन। जब तक चाहो चुनाव लड़ते रहो, उम्र की कोई सीमा नहीं। फ्री की स्कीमें सब नेताओं को मिले, जब जनता की बारी आए फ्री फ्री राजनीतिक दल ये चिल्लाए। जब जनता की बारी आए फ्री फ्री और राजनीतिक दल ये चिल्लाए। आगे है, फ्री की स्कीमें सब नेताओं को मिले, फ्री फ्री राजनीतिक दल सब चिल्लाए। आगे है, अब किस पार्टी से लड़ूं। निर्दलीय लड़ता हूं, मेरे विचार क्या, निर्दलीय लड़ता हूं, बाद में कोई पार्टी देखता हूं। अब किस पार्टी से लड़ूं, निर्दलीय लड़ता हूं, बाद में किसी पार्टी को देखता हूं। एक बार चुनाव तो लड़ूं, देश की जनता की सेवा मैं भी करूं। एक बार चुनाव तो लड़ूं, देश की जनता का सेवा मैं भी करूं। सरकारी स्कीमों को लाकर वाहवाही तो लूटूं, सरकारी स्कीमों को लाकर वाहवाही तो लूटूं। कहीं सिलेंडर बांटूं, कहीं गृह अनुदान, कहीं देकर जमीन का पट्टा मैं भी भगवान बनूं। कहीं सिलेंडर बांटूं, कहीं गृह अनुदान, कहीं देकर जमीन का पट्टा मैं भी भगवान तो बनूं। बनाकर जातिवाद की राजनीति, मंदिर मस्जिद को बनाऊं। छोड़ स्कूल अस्पतालों की सेवा, मैं भी ठेकेदार उद्योगपतियों का खूब करूं सेवा। तभी तो अगले चुनाव में मिले लड़ने को मुझे मेवा। हो जाओ तैयार साथियों, आगे मैं बता रहा हूँ। हो जाओ तैयार साथियों अब राम भगत भी लड़ रहा चुनाव। जनता की सेवा के लिए मैदान में उतर रहा गांव गली चौराहे। पर अब राम भगत प्रचार कर रहा, वोट दो। आगे, हम पेंशन नहीं लेंगे। एक कवि जब उठता है तो वो अपनी भावनाओं को कह रहा है, हम पेंशन नहीं लेंगे, हम तनख्वाह काम के हिसाब से लेंगे। हम कर्मचारियों की तरह अपना वेतन व सुविधाएं लेंगे।
हम कर्मचारियों की तरह अपना वेतन और सुविधाएं लेंगे, हम स्वागत में कोई खर्चा गांव की जनता से नहीं करवाएंगे, हम स्वागतों में अपना खर्चा गांव की जनता से नहीं करवाएंगे, हम ढोल नगाड़ों से अपना स्वागत नहीं करवाएंगे, हम कभी पंडाल लगाकर विशाल सभा नहीं करवाएंगे, हम कभी पंडाल लगाकर विशाल सभा नहीं करवाएंगे, हम देश के पैसों का दुरुपयोग नहीं करवाएंगे, हम ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाकर युवाओं को रोजगार पैदा करेंगे। हो जाओ तैयार साथियों, 2022 का बदलाव के लिए राम भगत को विधायक पद के लिए एक बार सेवा का मौका दें। आगे है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, किस पार्टी से लड़ूंगा अभी तय नहीं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बढ़िया कविता। प्रदीप जी से मेरा फिर से अनुरोध है, आपका नेटवर्क बार बार जा रहा है, लेकिन प्लीज अपनी कविता जो है वो दोबारा से सुनाए, पूरा करें सर, अनम्यूट करें सर अपने माइक को प्लीज। पहले धन्यवाद, थैंक यू। तकनीकी समस्या की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ी सी पॉइंट को दो लाइनें हैं फिर से सुनाऊंगा। डूब रहे हैं तो क्या सूरज है कल फिर आएंगे, डूब रहे हैं तो क्या सूरज है कल फिर आएंगे, काली निशा को चीर के कल फिर छाएंगे, रुकेगी क्या हमें ये काली खटाएं, कल हम मिलेंगी औकात बताएंगे, कि डूब रहे हैं तो क्या सूरज है कल फिर आएंगे। बहुत बढ़िया, बोलना चाहूंगा यहाँ पे सर, मुझे अपने बहुत बढ़िया प्रदीप सर, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपने करियर के शुरुआती में मेरे को आर्मी स्कूल में काम करने का मौका मिला, ये होस्ट बैंक में, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में मेरी इंग्लिश थी, तो जब मैं बच्चे अपना पेपर कर रहे थे तो मेरे को बड़ी जबरदस्त अनुभूति हुई कि मैं कॉर्नर पे खड़ा था और मेरे को बच्चे नहीं दिखाई दिए, बस पेन चलते हुए दिखाई दी, बस मेरे को उस कमरे में पेन ही दिखाई दिए चलते हुए ऐसे प्लांट में, तो वहां से कविता निकल के आई, वो मैं सुनाना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त मूवमेंट थी और शायद मेरे अंदर कभी है तो मैं देख सका। तो कविता है, एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में कोने से पेन चलते देखे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कोने से पेन चलते देखे हैं, कुछ इतर आते जिनको सब कुछ आते हैं, बड़ी इतर आते चल रहे हैं, कुछ इतर आते कुछ घबराते, कुछ को थोड़ा डर है कि यार क्या होगा, कुछ घबराते और कुछ शर्माते, जिनको कुछ नहीं आता वो शर्मा रहे हैं कि हम चल नहीं रहे। एग्जामिनेशन हॉल में कोने से पेन चलते देखे हैं, कुछ इधर आते कुछ घबराते और कुछ शर्माते देखे हैं, रुकते हैं, रुकते हैं, सोचते हैं, सिर को खुजलाते हैं, फिर चलते हैं और चलते जाते हैं। साधारण से दिखने वाले ये लाल हरे नीले पेन, साधारण से दिखने वाले ये लाल हरे नीले पेन विद्यार्थी को अगली कक्षा तक ले जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कोने से पेन चलते देखे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आनंद आया सर आपको इनको सुन करके, मेरा सर आपसे ज्योति प्रकाशी से मेरा फिर से सर आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी अगली कविता जो है सर उसको पेश करें, बहुत आनंदित हो रहे हैं सर प्लीज कवि सम्मेलन में आपकी कविताओं को सुनते सुनते, प्लीज अपनी कविता पेश करें। सुमित जी धन्यवाद, मैं अगली कविता जैसे अभी बरखा बारिश पे कब तो भी मेरी भी अगली कविता बरखा पे बारिश पे है ना, बरखा का संदेश। बारिश कभी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, कभी हो ही नहीं रही, तो जब ज्यादा हो रही है वो एक मैसेज लेके आ रही है, तो कभी हृदय थोड़ा मार्मिक चीजों को और भावुक चीजों को और कुदरती मैसेज को सबको पढ़ लेता है, तो बरखा का जो मैसेज है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। बरखा का संदेश, जब जब मैं प्रचंड हुई, जब जब मैं प्रचंड हुई तो मानव तब भी मौन रहा, जब जब मैं प्रचंड हुई तो मानव तब भी मौन रहा, इस प्रचंड तांडव की बरखा का बतला तो कारण कौन रहा, जब जब मैं प्रचंड हुई तो मानव तब भी मौन रहा, इस प्रचंड तांडव की बरखा का बतला तो कारण कौन रहा, जब जब मैं आई बूंदों में, जब जब मैं आई बूंदों में सींचा इस धरा को और धरा फटी दरारों को, जब जब मैं आई बूंदों में सींचा इस धरा को और धरा फटी दरारों को, जो पड़ी हुई थी भीषण तपती गर्मी के पहाड़ों से, पर अब के मैं प्रचंड रूप में, पर अब के मैं प्रचंड रूप में आसमान से हूं, पर अब के मैं प्रचंड रूप से
आत्मा से आई हूँ, इस संदेशा इस धरती के मानव को मैं लाई हूँ, कि सबलचा अब भी अंधे मानव, कि सबलचा अब भी अंधे मानव, कर तू काम कुदरत के संग, वरना देख लिया है तूने शीतल जल का रूप प्रचंड, वरना देख लिया है तूने शीतल जल का रूप प्रचंड। ये था बरखा का संदेश। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्योति प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बहुत बेहतरीन कथा का। मैं रेडियो गुंजन की तरफ से जो हमारे प्रोग्राम अनाउंसर हैं मैडम मीना जी, वो भी एक कविता जो है वो प्रस्तुत करना चाहती है, तो मैं मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि प्लीज आप अपनी कविता जो है वो प्रस्तुत करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत मुझे टाइम दिया, और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर रेडियो गुंजन के साथ आप जुड़े और अपनी बहुत अच्छी अच्छी पोएमें जो है आप सुना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो है पूरा आनंद इस कार्यक्रम का ले रहे होंगे, इस प्रोग्राम का ले रहे होंगे। तो छोटी सी कोशिश मैंने एक चार पंक्तियां लिखने में करी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लीक पर तो सब चल पड़ते हैं लेकिन कभी इतिहास को पलट कर चल, बिना काम के मुकाम कैसा, बड़ी माफ कीजिएगा बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी से अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार मत अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल किसी और का ना इंतजार कर, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी ये मेले हैं। तो सर ये थी मेरी एक कविता, एक और चार लाइनें और लिखी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद भी आई होगी, और कोई गलती मुझसे हुई होगी तो मैं माफी चाहूंगी। तो मेरी अगली कविता है जिंदगी के ऊपर। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला कर मुझे सुला रही थी, हम दोनों क्यों खफा हैं एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी, मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने, वो हंस के बोली मैं जिंदगी हूं पगली, मुझे जीना सिखा रही थी, माफ कीजिएगा तुझे जीना सिखा रही थी, मैंने पूछा क्यों इतना दर्द दिया कम वक्त तूने, वो हंसी और बोली मैं जिंदगी हूं पगली, मैं तुझे जीना सिखा रही थी, मैं तुझे जीना सिखा रही थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बढ़िया, और एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने रेडियो गुंजन के लिए इतना टाइम निकाला और अपनी इतनी खूबसूरत जो है कविताएं आप लिख रख रहे हैं, तो धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़ी कविता थी, बहुत बड़ी। तो एक बार फिर से मैं प्रदीप जी के तरफ में जाना चाहूंगा, आपका नेटवर्क जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ठीक चल रहा है, तो आप अपनी प्लीज कोई कविता जो है वो प्लीज हमें सुनाए और आनंदित करें सर प्लीज। धन्यवाद सर। एक बार किसी विदेशी से मेरी बात हो रही थी, तो बात चली रोमांटिकिज्म में, तो अपना वेस्टर्न कल्चर बता रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि जो हमारे कृष्ण है, जो राधा कृष्ण की जोड़ी है वो बड़ी पुरानी जोड़ी है, तो रोमांटिकिज्म जो आज आप सीख रहे हैं में प्रबुद्ध वर्ग में है, तो वहीं से राधा और कृष्ण पे मैंने कविता लिखी है कि जब कृष्ण राधा को देखते हैं, और ये वर्तमान समय में भी कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए लागू कर सकता है, तो श्री कृष्ण जी अपने राधा के लिए बोल रहे हैं जब राधा उनसे मिलने आती हैं, तो एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी है वो बोलते हैं, और इसमें उपमा अलंकार मैंने यूज किया है। राधा के हाथों में मेहंदी लगी हुई है कलाई में, तो राधा का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण, और वो कैसे कर रहे हैं, तुम्हारी कलाई की मेहंदी ऐसी
तुम्हारी कलाई की मेहंदी ऐसी, चांदनी रात में वो धरती जैसी। भगवान श्री कृष्ण राधा गिरी बोल रहे हैं कि तुम्हारी कलाई की मेहंदी ऐसी, चांदनी रात में वो धरती जैसी, बालों की एक लटा, बालों की एक लटा चेहरे में चूमती ऐसे, सागर की लहर किनारों को चूमती हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण राधा के लिए बोल रहे हैं, तेरा ये हंसना जैसे बादलों में रिमझिम पानी का बरसना, तेरा ये हंसना जैसे बादलों में रिमझिम पानी का बरसना, और तेरी आंखों के इशारे, जब राधा आंखों से इशारे कर रही हैं तो उसमें भी श्री कृष्ण लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तेरी आंखों के इशारे झील के मोती और आसमान के सितारे, तेरी आंखों के इशारे झील के मोती और आसमान के सितारे, तेरा आना और तेरा चले जाना। राधा बड़े शॉर्ट टर्म टाइम के लिए उनके पास आ रही हैं, उनसे मिल रही हैं और फिर चली जा रही हैं, तो उस पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तेरा आना और तेरा चले जाना जैसे गहरी नींद में ही सपने का टूट जाना, तेरा आना और तेरा चले जाना जैसे गहरी नींद में ही सपने का टूट जाना। और फिर भगवान श्री कृष्ण राधा के जो पायल है उसके बारे में बोलते हैं, तेरे पायल वाले पग धरती को चूमते ऐसे, तेरे पायल वाले पग धरती को चूमते ऐसे, स्वर्ग से उतरी हो कोई अप्सरा जैसे, स्वर्ग से उतरी हो तेरी अप्सरा जैसे, तेरे आने की खुशी में मेरा पागल सा हो जाना, तेरे आने की खुशी में मेरा पागल सा हो जाना, शायद मैं ही हूं तेरा सबसे बड़ा दीवाना। ये संदर्भ में लिखी है, बहुत बहुत बढ़िया सर। जैसे मैं देख रहा हूँ कि समय हमारे पास थोड़ा कम बच रहा है, तो फिर से मैं एक बार मुकेश चंद नेगी जी के पास, मुकेश चंद नेगी जी से मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि प्लीज अपनी एक और कविता सर हम लोग हमें सुनाएं। जी मैं चाहूंगा कुछ आपकी भी पंक्तियां सुनूं। सर उससे पहले मैं एक सुनाता हूँ, कुछ शायरी सुनाता हूँ, कुछ शब्द लिखे है मैंने। शायरी शैली में लिखी है, शेर है। जिंदगी तुमने कई गम दिखाए हैं, आजमाने का अवसर भी खो बैठे हैं। जिंदगी शर्तों की बिसात पर टिकने लगी, मोहरा हम बने और ख्वाहिश तुम। काश कोई जीने का सलीका समझ पाता, वक्त का दागा आजमाने नहीं पड़ता। शर्तों की क्या बिसात जो हमसे टकराए, जीना तो एक खेल है, कभी हार कभी जीत। जियो भी किसी के सारे आजमाइश करने के बहाने, जिंदगी में अक्सर ठोकर ही खाए हैं। कदम बढ़ाते रुक से जाते फिर आगे बढ़ते हैं, मत खेलो जिंदगी से नाजुक हालत देखकर, पहचान भी नहीं सकते राह देखकर। कल का क्या पता जिंदगी किस मोड़ ले जाए, आजमाई से वक्त के सहारे गुजर जाए। हमने शर्तों के चक्कर में कई दिन गुजारे, पहचान कर भी अनजान बनते गुजरे। जितने भी तमन्ना में कितने दिन निकले, शर्तों ने हमेशा किनारा रखकर बदला। जिंदगी में जिसने हमें चाहा, शर्तों की कोई बात नहीं करते। जिंदगी निभाने में अक्सर शर्तों ने कदम रखा, आजमाने की वक्त ने दरकिनार कर रखा। दो पंक्तियां और दो तीन पंक्तियां। जिंदगी गुजारने में तुमसे हर शर्त का सामना हुआ, पासा तुम ही पलटते रहे, हवा का रुख सा बदला हुआ। जिंदगी में शर्त ना रखते तुम तो निभाने के वक्त अड़चन ना करते। जिंदगी के राह कठिन डगर सत्य हैं, समावेश कर वक्त से कहां डरने वाले हम भी हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। मेरी प्रार्थना रहेगी, गुजारिश रहेगी श्री राम भगत नेगी जी से कि आप सर अपनी कविता जो है उसको प्रस्तुत करें सर। कोविड के बाद परिस्थितियां देश में बहुत हैं, तो रोजगार पर मेरी छोटी सी रचना।
शीर्षक है रोजगार, हर तरफ मारा मारी, ना नौकरी ना चाकरी, बढ़ रही है हर साल बेरोजगारी, पढ़ लिख कर भेजे, पढ़ लिख कर बेचे भाजी तरकारी। हर तरफ मारा मारी, ना नौकरी ना चाकरी, पढ़ लिख कर हर साल बेरोजगारी, पढ़ लिख कर बेच रहे भाजी तरकारी। युवा हताश निराश, एक आवेदन पर लाखों बेरोजगार, युवा हताश निराश, एक आवेदन पर लाखों बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई अब काम ना आई, रोजगार पर ये कैसे बादल छाई, हाँ रोजगार पर ये कैसे बादल छाई। रोजगार जब तक नहीं तब तक शादियां नहीं, अब आजकल का माहौल ऐसा हो गया, रोजगार जब तक नहीं तब तक शादियां नहीं, युवा पीढ़ियां बिन ब्याह के हो गए रोजगार बिन देवदास, युवा पीढ़ियां बिन ब्याह के हो गए रोजगार बिन देवदास। आत्मनिर्भर बने कैसे, आत्मनिर्भर बने कैसे, बैंकों में कंडीशन लगे ऐसे, लोकल वोकल बने कैसे, ऑनलाइन कंपनियां जब खुले हर मोड़ में ऐसे। आत्मनिर्भर बने कैसे, बैंकों में कंडीशन लगे ऐसे, लोकल वोकल बने कैसे, ऑनलाइन कंपनियां खुले जगह हर मोड़ पे। एक रोजगार दफ्तर बचा अब जैसे बता रहा दिखा रहा जता रहा, रोजाना मिल रहा जैसे यहाँ युवाओं को रोजगार। एक रोजगार दफ्तर बचा अब जैसे बता रहा दिखा रहा जता रहा, रोजाना मिल रहा जैसे अब यहाँ युवाओं को रोजगार। हर तरफ मारा मारी, ना नौकरी ना चाकरी, बढ़ रही हर साल बेरोजगारी, पढ़ लिख कर बेच रहे सभी भाजी तरकारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। संत कवि तुलसीदास जी ने एक जगह एक जो उन्होंने ग्रंथ लिखा श्री रामचरितमानस, उसमें एक जगह उन्होंने कहा है भगवान राम जी के लिए और अपने अपने आप को कंपैरिजन करते हुए कि जीव रवि सम खद्योत प्रकाशा, कि मैं आपके सामने अपने आप को उस तरह से महसूस करता हूँ जैसे रवि मतलब सूरज के सामने खद्यो मतलब जुगनू अपने आप को महसूस करता है। तो मेरे को वो पंक्ति याद आ रही है कि आप इतने सब लोग इतने बेहतरीन तरीके से अपनी इतनी सुंदर रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं अपने आप को बिल्कुल रवि संखद्दी हो तो आपके सामने मैं अपने आप को जुगनू की तरह महसूस जो मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कविताएं सर आप सुना रहे हैं। मेरा आग्रह है श्री ज्योति प्रकाश जी से कि आप प्लीज अपनी कविता जो है सर वो प्रस्तुत करें, हमें और आनंदित करें सर। जी, एक जिंदगी का एक पड़ाव होता है जब ना युवा अवस्था होती है और ना ही वृद्ध अवस्था होती है, उसमें कुछ बदलाव आते हैं। उन बदलावों में इंसान ये सोचता है कि मैं भी युवा रहूं, और वो बुढ़ापे की दस्तक होती है तो उसमें उसके लिए कुछ लाइनें लिखी है मैंने। आहिस्ता आहिस्ता सफेदी काले घने बालों में, सफेदी काले घने बालों में छुपती नहीं अब रंगे हिना से, सफेदी काले घने बालों में छुपती नहीं अब रंगे हिना से, आ रही है कनपटी पे चांदी सी परत अब आहिस्ता आहिस्ता, बात बात पे उत्तेजित होना अड़ जाना उलझ पड़ना, बात बात पे उत्तेजित होना अड़ जाना उलझ पड़ना, पर नहीं चुकती अब सबकी बात, पर नहीं चुकती अब सबकी बात, आम सा लगने आहिस्ता आहिस्ता, गहरी नींद बेफिक्री थी कभी, गहरी नींद बेफिक्री थी कभी, पर जगने लगा हूं रात में अब बार बार, नींद भी पराई होने लगी है अब आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सपने थे अरमान थे मन में, सब कुछ याद रहता था जहन में, कुछ याद है कुछ कुछ भूलने लगा हूं अब आहिस्ता आहिस्ता, आंखों में चमक और मन में था उल्लास, आंखों में चमक और मन में था उल्लास, सब कुछ दिखता था साफ साफ, आंखों में चमक और मन में था उल्लास, सब कुछ दिखता था साफ साफ, पर नजर भी धुंधलाने लगी है अब आहिस्ता आहिस्ता। एक और बदलाव है, ठहाके मंद और मन के वेग तेज हो गए, ठहाके मंद और मन के वेग तेज हो गए, कहीं हंसी भी खो ना जाए तो मुस्कुराता रहता हूं बस आहिस्ता आहिस्ता। बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कोई एक और कविता सर इजाजत तो एक कविता और पढ़ू? जी जरूर जरूर सर, प्लीज जरूर। ये कविता तुम यू ना, इसका शीर्षक है तुम यू ना, तुम यू ना पास से गुजर जाया करो,
घड़ी पल दो पल ठहर जाया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो। बस्ती हस्ती कस्ती, बस्ती हस्ती कस्ती, सब तो डूब जानी है। मुट्ठी भर रेत है जीवन, शेष तो पानी ही पानी है। मेरे भावों के समंदर में बेझिझक चले आया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो। दूर होके भी करीब रहना, दूर होके भी करीब रहना, ख्वाबों ख्यालों में मेरे बस बसे रहना। हूं जैसा भी बस मुझे सहते रहना। तुम आंसुओं में बस यूं ही ना झर जाया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो। हर दम आते हो तुम ख्यालों में, हर दम आते हो तुम ख्यालों में, घेर लेते हो मुझे खामोश सवालों में। तुम साथ हो मेरे ये हिचकियों में ही बता जाया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो, घड़ी पल दो पल ठहर जाया करो, तुम यूं ना पास से गुजर जाया करो। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मेरा बहुत सौभाग्य सत्य में आप सब इतने अच्छे और प्रतिभाशाली कवि कविताओं को मैं सुन पाया सर। मेरा आग्रह रहेगा प्रदीप जी से कि आप प्लीज अपनी कविता जो है वो प्रस्तुत करें और कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर ले जाएं। प्लीज प्रदीप जी। धन्यवाद सर, और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इस पटल में, गुंजन रेडियो के इस पटल में इतने महान लोगों के साथ हमें बैठने का सौभाग्य मिला, और ये एक जीवन के लिए जो एक्सपीरियंस है ये याद रहेगा एट द एंड ऑफ द डे। मैं एक छोटी सी कविता, इसका शीर्षक है जीवन सरिता। तो ये जब मैं एक जीवन की तलाश में निकला तो मैंने ये सोचा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जो तो उतार चढ़ाव आ रहे हैं क्यों आ रही है, और जीवन का के जीवन के बाद जो जीवन का अंत है वो मृत्यु है, तो मृत्यु बड़ी है कि जीवन बड़ा। तो इसका जवाब दिया मुझे नदी ने। नदी जब सागर में मिलती है तो उसका आकार और बड़ा हो जाता है। नदी छोटी होती है लेकिन वो सागर में मिलती है तो उसका जो अंत है वो बड़ा होता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है उसके पास जो मृत्यु है वो भी जीवन से बड़ी है, लेकिन हम अज्ञानी है, अज्ञानी है, हमें उस विषय में पता नहीं है। तो जो जीवन में अपस एंड डाउन्स आ रही है तो उसके विषय में कविता लिखी है जीवन सरिता। तो आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जीवन सरिता में बहे जा रहे हैं, जीवन सरिता में बहे जा रहे हैं, अब तो किनारे याद आ रहे हैं। जीवन सरिता में बहे जा रहे हैं, अब तो किनारे याद आ रहे हैं, कि अब तक तो मिल जानी थी मंजिल, कि अब तक तो मिल जानी थी मंजिल, पर अब भी तूफान आ रहे हैं। तूफानों में पड़ ना जाए कश्ती कमजोर, तूफानों में पड़ ना जाए कश्ती कमजोर, मेहनत करनी होगी थोड़ी। अब अंत में इसका मैं वो कर रहा हूँ, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन का अंत मृत्यु, जीवन मृत्यु सरिता सागर, सरिता का अंत सागर, जीवन मृत्यु सरिता सागर, अंत बड़ा आकार, दोनों का अंत जो है बड़ा है, क्या हो पाएगा जीवन का। तो यहाँ पे मैं जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको लेके आया हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो जीवन मृत्यु सरिता सागर, अंत बड़ा आकार, क्या हो पाएगा जीवन साकार। ये छोटी सी पॉइंट मैं आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी आपको। सर बहुत ही गहरे भाव है इस कविता में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर समय हो तो एक और सुनाऊं सर। हेलो, हाँ जी, प्लीज सर, प्लीज जरूर सर, जरूर अपनी कविताओं सुनाएं सर, आपकी कविता बहुत बढ़िया थी सर। जीवन सरिता के बाद मैं आ रहा हूँ सूखी नदी। हाँ जी, अब जीवन सरिता तो हमने देख लिया, लेकिन अब सूखी नदी, जो सूखी नदी के किनारे होते हैं वहां पे जीवन कैसा होता है, उस विषय में कविता है। यहाँ पे भी कहीं पे हरियाली होती है, कहीं पे सूखा होता है, तो सुखी जीवन है, अर्थात जब जीवन में दुख है तब जीवन कैसा है, उस विषय में कविता है और इसका शीर्षक है सुखी नदी। तो यहाँ पे कवि कहता है, हे भगवान, हे प्रभु, सुखी नदियों के तीर कठिन जीवन अधर अधीर,
की नदियों के तीर कठिन जीवन अधर अधीर, अधर मीन्स ओंठ भी प्यासे हैं और जीवन भी कठिन है। अधर न मांगे पीयूष, अधर न मांगे पीयूष बस मांगे नीर, अधर न मांगे पीयूष बस मांगे नीर। हे प्रभु क्या जाऊं दर पे पीर, हे भगवान अगर आप मुझे ये भी नहीं दे सकते तो मैं कहां जाऊं, किसके दर में जाऊं। दर्द न था किसी बात का, दर्द न था किसी बात का, फिर ये कैसा अंधकार। मुझे तो किसी बात का दर्द भी नहीं था, अभिमान भी नहीं था, दर्द न था किसी बात का, फिर कैसा ये अंधकार। लोचन तरसे कि अब तो मेघ बरसे, सूखी नदियों के किनारे रहकर हम ये बोल रहे हैं कि अब तो मेरी आंखें दर रही हैं, कि लोचन तरसे कि अब तो मेघ बरसे, कि सूखी नदियों के तीर परुष जीवन अधर अधीर। बेहद खूब सर, कबीर सर बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। सर समय हो तो बोलो प्लीज सर, प्लीज बोलिए सर, प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद सर। जिंदगी में अच्छा बुरा जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, ऐसे में कुछ बेटे हैं मेरी, कुछ अब ये अगली करता अगर ना किसर है, अगर ना डले ना सूरज, अगर ढले न सूरज और आए न सांझ, तो कैसे हसीन फिर ये चांद निकले। अगर ढले न सूरज और आए न सांझ, तो कैसे ही हसीन फिर ये चांद निकले। अगर ना आए ये अंधियारी और काली रात, अगर आए न अंधियारी और काली रात, तो कैसे फिर तारों की बारात निकले। अगर चले न आंधी ये तूफान लिए, अगर चले न आंधी ये तूफान लिए, तो कैसे फिर ये गर्दो गुबार निकले। गर न आए ये आंसू और भीगे न पलके, गर न आए ये आंसू और भीगे न पलके, तो कैसे मन का फिर खुमार निकले। गर गिरे न पत्ते पेड़ों से बिछुड़कर, अगर गिरे न पत्ते पेड़ों से बिछुड़कर, तो कैसे फिर अंकुर और बहार निकले। गर चुप होए न सुई दुखते हुए पांव में, अगर चुप होए न सुई दुखते हुए पांव में, तो कैसे वो कांटा फिर बाहर निकले। गर चले न छेनी हथौड़ा उस पत्थर पर, गर चले न छेनी हथौड़ा उस पत्थर पर, तो कैसे हसी मूरत फिर बाहर निकले। और गर न देखी हो घड़ियां दुख और सुख की, गर देखी न हो घड़ियां दुख और सुख की, तो कैसे जीवन के दिन चरा निकले, तो कैसे ही जीवन के दिन चरा निकले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन बेहतरीन। तो जैसे कि अब समय जो है वो लगभग समाप्त हो ही चुका है, तो मैं सुमित जी आपको मैं थोड़ा अवरुद्ध कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी प्लीज बोलिए। मेरा अब अंत में आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटी सी कविता हमें सुनाएं। प्रदीप जी एक्चुअली मेरे पास मैं अभी मेरे पास मेरे बहुत मेरे पसंदीदा कवि रहे हैं, बहुत महान कवि हुए हैं पाश, बहुत एक पंजाब से बिलोंग करते थे कवि पाश, उनकी एक मेरे पास छोटी सी कविता है, मैं उसको मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। कविता कुछ इस तरह से है, मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरज से, मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरज से, क्या वक्त इसी का नाम है कि घटनाएं कुचलती हुई चली जाएं मस्त हाथी की तरह, एक समूचे मनुष्य की चेतना को, कि हर सवाल केवल परिश्रम करते देह की गलती ही हो। क्यों सुना दिया जाता है हर बार पुराना लतीफा, क्यों कहा जाता है हम जीते हैं, जरा सोचें कि हमने से कितनों का नाता है जिंदगी जैसी किसी चीज के साथ। रब की वक्त ऐसी रहमत है कि गेहूं गोड़ते फटे हाथों पर और मंडी के बीज के तख्त कोश पर फैले मांस के उस पिलपिले ढेर पर एक ही समय होती है, आखिर क्यों बैलों की घंटियां। पानी निकालते इंजनों के शोर में घिरे हुए चेहरों पर जम गई है एक चीखती खामोशी, कौन खा जाता है तल तक टोके पर चारा लगा रहे उतरे हुए अरमानों वाले पत्थे की मछलियों, क्यों गिड़गड़ाता है मेरे गांव का किसान एक मामूली पुलिस वाले के सामने, क्यों कुचले जा रहे आदमी के चीखने को हर बार कविता कह दिया जाता है, मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरज से। बहुत सुंदर कविता थी सर ये प्रकाश जी ने लिखी थी पंजाब के तरीके से। मैं
सभी सुनने वाले श्रोताओं को जिन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सभी बहुत प्रतिभाशाली और बहुत महान कवियों का मैं सुना करके आनंदित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद सर, मैं कार्यक्रम की संचिकार संचालिका राजी को मैं कहना चाहूंगा कि आगे गाइड करें कैसे क्या प्रोग्राम चलेगा। मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मिलन। और जी हाँ, अभी आपने कार्यक्रम सुना कवि सम्मेलन, तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और आपने खूब आनंद भी लिया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी मीना को दीजिए आप सब इजाजत। अगले रविवार फिर हम मैं हाजिर हो जाऊंगी एक नए कार्यक्रम लेकर कवि सम्मेलन। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पेज पे कुछ नहीं आ रहा है। क्या कर रही है? ले जाए इसके बाद सर, मतलब ऐसे ही आ रहे हैं बटन। इस पे ना स्टॉप नहीं हो रहा है। तो मैंने स्टॉप कर दिया, हो गया इधर से। अब इसके आप किसके लाइव है? क्या बोल रहे हैं? तो आवाज़ जिंगल की और उसकी भी तरफ बे की आ रही है। नहीं आ नहीं रही थी यार इस बंदे ने ना। लाइट तो चला गया।